हम लोग अब एक्वाप्योर फेशियल करने जा रहे हैं. दिस इज ओनली फॉर अ ऑयली पिंपली एंड सेंसिटिव स्किन. हेलो फ्रेंड्स, मेकओवर और ब्यूटी टिप्स की लेटेस्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वो बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिले. मैम के पिंपल नहीं है बट इनकी स्किन ओवर सेंसिटिव है, दैट्स व्हाई मैं ये एक्वाप्योर करने जा रही हूँ जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है. बट इनकी स्किन साथ साथ ड्राई है इसलिए मैं इसके साथ कुछ ना कुछ ऑयल से रिलेटेड मिल्क वगैरह कुछ यूज़ करूँगी जो कि इनकी स्किन के लिए बहुत बेटर रहेगा. फर्स्ट मैंने क्लिंजर लिया है. इसके टोटली प्रोडक्ट जेल बेस हैं जो स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है, ऑयल को कंट्रोल करते हैं एंड पिंपल्स को. जस्ट आज हम फेशियल करेंगे, कल उनके पिंपल ड्राई हो जाते हैं. इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर स्किन. अब हम इसे क्लीन करेंगे. सेकेंड स्टेप है हमारा, इट्स अ प्यूरिफाइंग सीरम. बिकॉज क्योंकि हम लोग पिंपली स्किन एंड वेरी सेंसिटिव स्किन पर कभी भी स्क्रब नहीं दिया जाता, वो उनके लिए हार्मफुल होता है, इसलिए प्यूरिफाइंग सीरम देते हैं जो कि एक्नेस के लिए और सेंसिटिव स्किन को प्यूरिफाई कर देगा बट किसी तरह का हार्मफुल नहीं रहेगा. 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे, हमें कुछ भी इसको क्लीन नहीं करना है. देन आफ्टर 15 मिनट हम लोग मसाज करके क्लीन करेंगे. इसके लिए 2 मिनट, किसी किसी को इचिंग होती है बिकॉज अगर स्किन बहुत ज़्यादा डेड है तो 2 मिनट के लिए इचिंग होगा, उसमें घबराना नहीं है. जस्ट आफ्टर 2 मिनट ये नॉर्मल हो जाएगा. इनके ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं है, अदरवाइज हम लोग ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव करेंगे. देन उसके साथ हम लोग थाइम लाइम फ्रेशनर लगाएंगे. इट्स अ फ्रेशनर कम टोनर. क्रीम से मसाज करेंगे. इस क्रीम के अंदर एलोवेरा मिलीज कैप्सूल्स हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं एंड इसका पूरा प्रोडक्ट जेल बेस है, क्रीम बेस नहीं है. इनकी स्किन ड्राई है इसलिए हम लोग हल्का सा मिल्क ले लेंगे बिकॉज मिल्क जो है वो स्किन को मॉइस्चर भी देगा और स्किन के लिए प्रॉपर हर्बल भी रहेगा. इस किट का एकदम कूलिंग इफेक्ट है, जब हम करते हैं कस्टमर के ऊपर बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है. सबसे पहले हम लोग स्ट्रोक्स लेते हैं. इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं जर्नल स्ट्रोक. इट्स अ जर्नल स्ट्रोक फर्स्ट, देन अपलिफ्ट ऑफ द सेंटर नेक, देन राइट साइड अपलिफ्ट, देन लेफ्ट साइड अपलिफ्ट, देन चिन एरिया, क्रिस क्रॉस एंड सीजर स्ट्रोक, क्रिस क्रॉस एंड सीजर स्ट्रोक, then uplift of the cheeks, then punching, typing, then uplift. then uplift tip of the nose, bridge of the nose, then crisscross, then pressure point, then uplift, then pressure point, then eyes पे लेंगे. ये हमारा सबसे ring finger जो होती है, ये एक बहुत ही soft finger होती है. इसके साथ हम eyeball को लेंगे clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, then pressure of the uplift and corner point of pressure. Then close the eyes, then open the eyes, then close the eyes, then open the eyes. ये हमारा सेंटर बिंदी पॉइंट होता है. यहाँ से हम लोग ये थ्री फिंगर लेंगे, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड सेंटर फिंगर. देन इसको जो बिंदी वाला सेंटर ऑफ द आईब्रोज होता है, यहाँ से प्रेस करते हुए ले जाएंगे कॉर्नर ऑफ द आईज तक. देन वेरी सॉफ्टली कम बैक. देन सेकेंड बैक.
उसके बाद आईब्रोज लेंगे, देन अपलिफ्ट ऑफ द आईज, देन कॉर्नर ऑफ द आईज प्रेशर पॉइंट, देन कॉर्नर ऑफ द ईयर्स प्रेशर पॉइंट, देन एंड ऑफ द ईयर्स प्रेशर पॉइंट, देन ईयर्स पे मसाज करते हुए हम लोग अपलिफ्ट अपसाइड ऑफ द ईयर्स हम लोग प्रेशर पॉइंट देंगे, देन सर में हम लोग हेड पर प्रेशर पॉइंट देंगे। देन फॉरहेड पर आते हैं हम लोग, वी शेप में लेंगे, देन सीजर स्ट्रोक लेते हुए, देन एस एन एट बनाते हुए माथे फॉरहेड पर हम लोग इसको चलाएंगे, देन प्रेस करते हुए कॉर्नर ऑफ द आई हम लोग इसको प्रेशर पॉइंट देंगे। ये ग्रीन टी मास्क है जिसे हमें विदाउट ड्राई किए, स्किन को क्लीन नहीं करना, देन इसी के ऊपर अप्लाई कर देना है। इट्स अ ग्रीन टी मास्क, रेडी पैक है, इसको हमें किसी तरह की वाटर की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही अप्लाई हो जाता है बहुत अच्छे से। पैक ड्राई होने पर इस पैक को हमें फुल ड्राई करना है बिकॉज इट्स अ ट्रीटमेंट किट, तो हम लोग इसको फुल ड्राई होने पर मसाज करके क्लीन कर देंगे। इसके बाद इसका सेकेंड मास्क है, इट्स अ पिल ऑफ मास्क, जिसको कि हम पानी लेंगे, और अगर आप इसको समर्स में करते हैं तो कोशिश कीजिए आप लोग चिल्ड वाटर लीजिए, ज़्यादा ठंडा पानी लीजिए। इसका प्लास्टिक उतार के हम लोग इसे ओपन करेंगे, देन इसको इस पानी में डाल देंगे, ये पूरा ओपन होके पिल मास्क ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा फेस बना हुआ है, दिस वन। इसका पानी हम गिरा देंगे, सारा पानी गिरा कर देन उसमें हम थाइम राइम फ्रेशनर डालेंगे, दिस वन थाइम राइम फ्रेशनर, जो कि फ्रेशनर कम टोनर है। इसको हम फेस पर अप्लाई कर देंगे फॉर 10 मिनट्स के लिए। अब हम इसको रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के बाद जितना स्किन पर थाइमलाइन फ्रेशनर है उसको हम स्किन में पेनिट्रेट कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग, ये है स्किन सॉफ्टनर जेल, ये है स्किन सॉफ्टनर जेल जो कि लास्ट प्रोडक्ट है, बिकॉज ऐसी स्किन पर हम कभी भी कोई क्लेंजर या क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग ये स्किन सॉफ्टनर जेल लगाएंगे जो कि पिंपल्स को भी फिनिश करता है, ऑयल को भी कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ स्किन
सेंसिटिव स्किन के लिए भी कोल्ड कंप्रेशर का वर्क भी करता है। और मैम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता सकेंगी, उनको कैसा फील हुआ मैम, कैसा लगा आपको? इट्स फिनिश्ड, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है, आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो तो आप वो भी बता सकते हैं। नहीं नहीं अभी तक तो नहीं हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Can make a wildfire get away.